नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में कोरोना ने बड़ा ही चिंता, नहीं लगेगा लेकिन लॉकडाउन। सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री, वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए हरियाणा अलर्ट पर। हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि, पिछले 24 घंटे में 872 नए मामले। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में रफ्तार पकड़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार गंभीर हो गई है। हालांकि सरकार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। इधर कोरोना संक्रमण को लेकर सूबे के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी उपायुक्त, सिविल सर्जन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। प्रदेश में फैल रही कोरोना की दूसरी लहर को लेकर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने सभी अधिकारियों को कड़े शब्दों में प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अभी किसी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के पक्ष में नहीं है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्ती ही एकमात्र बचाव का जरिया है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 872 नए कोरोना पीड़ित मिले हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत भी हो गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 3090 तक पहुंच गया है। अभी तक हरियाणा में कोरोना के कुल 2,78,140 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4,380 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक कुल 2,70,670 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। सीआईए संदनी सिंह इंचार्ज रामफल की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीआईए इंचार्ज रामफल ने बताया कि थल निवासी हरवेल सिंह ने अपने खेत में प्याज और लहसुन के बीच में अफीम के 75 पौधे तैयार कर रखे थे, जिसका वजन लगभग 7 किलो 775 ग्राम था। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। दूसरा मामला चौगामा निवासी मृतक पवन कुमार की हत्या के आरोप में सीआईए इंचार्ज रामफल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और 22 मार्च तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। हमारी नई जनरेशन में नशे में काफ़ी खराब हो चुकी है, उसी को बचाने के लिए एक नशे के प्रति एक मुहिम चलाई गई है। और क्योंकि हमारा भविष्य बचा जा सके, तो कल जिस तरह से हमें सूचना मिली कि गांव थल के अंदर हरबेल सिंह अपने डेरे में अफीम के पौधे उगाए हुए हैं, जो सूचना पा करके जिस तरह से मैंने अपनी पार्टी तैयार करके तो मौके पर सिस्टम पहुंचे तो जो जिस तरह से अपने सब्जी लगाने के लिए क्यारी तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर प्याज लहसुन के बीज के अंदर अफीम के पौधे उगाए हुए थे, जो डोडा लग के पूरी तरह से तैयार हो चुके थे जी। तो जहां मौके पर देख के जो नियमानुसार जो कार्रवाई बढ़ती थी, एसडीओ श्री सुनील कुमार मार्केटिंग बोर्ड करनाल से मौके पर लाए गए। मौके पर जो थड़ का एरिया काश्तकार जमीन का था, तो मौके पर हल्का पटवारी को बुला करके नक्शा मौका तैयार करवाया गया। मौके पर गांव के सरपंच को भी बुलाया गया, बुला करके जो अपने एसडीओ साहब थे उनके दिशा निर्देशानुसार खेचे पौधे उखाड़े गए, जो कुल 75 पेड़ अफीम के थे। गौशाला आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग का श्री राधा कृष्ण आदर्श गौशाला में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। श्री भगवत कथा के दौरान चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने गौ भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि गौशाला कमेटी व गौ सेवा आयोग मिलकर काम करें तो गौशाला स्वावलंबी बनेगी, और कहा कि जो गौशाला जमीन की खरीद करती है उसकी रजिस्ट्री पर केवल 1% ही खर्चा लगेगा। इस दौरान कथावाचक कुलदीप कृष्ण जी महाराज ने गौ भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के भजनों से मंत्रमुग्ध किया। जो गौशाला जमीन की खरीद करती है उसकी रजिस्ट्री पर 5-6% नहीं देना पड़ेगा, केवल 1% ही गौशाला का खर्चा लगेगा। रजिस्ट्री खर्चे में बहुत बड़ी बचत गौशाला को दी है। इसी के साथ साथ बिजली का बिल जो 6 और 7 रुपये 7.5 रुपये आया करता, वो बिजली का बिल अब गौशाला में 2 रुपये यूनिट आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 15 दिन पहले ही इस चीज़ की अधिसूचना जारी करवाई है, घोषणा पहले कर दी थी, अब वो लागू हो गया है। आगे से गौशालाओं में बिजली का बिल केवल 2 रुपये आएगा। और भी अनेकों गौ संवर्धन की योजना और गौ पालन के लिए योजनाएं चलाई हुई हरियाणा सरकार की ओर से हैं, और उन योजनाओं पे सभी काम करेंगे। और गौ भक्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं की सेवा में, गौ माता की सेवा में।
गवर्नमेंट गर्ल्स प्राथमिक पाठशाला कलायत के हेडमास्टर विवेक बौर ने बताया कि स्कूल में महज 5 बच्चे ही अध्ययनरत हैं, जिनमें 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। इन विद्यार्थियों पर 2 शिक्षक तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह स्कूल आधे एकड़ में स्थापित है, जिसमें 3 क्लासरूम, 1 रसोई व 1 शौचालय है। परंतु शिक्षा विभाग ने ऐसे राज्य में जो स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में है उनकी संख्या 25 बच्चों से कम है और उनके दूसरे स्कूल में विलय करने का प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन यह स्कूल ज्यों का त्यों ही रहेगा। मास्टर जी, सरकार द्वारा जो नीति लागू की है कुछ दिन पहले, शिक्षा जो विभाग है कि कम छात्र संख्या जिस स्कूल में होगी उसको 1 किलोमीटर दायरे में जो स्कूल होगा उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। देखो जी, सरकार चल रही है अपने हिसाब से। अब ये जैसे 1970 से यहाँ स्थापित स्कूल है और करीब करीब आधा एकड़ में है। इस स्कूल के करीब 3.12 किलोमीटर तक कोई भी स्कूल नहीं है। तो अब पहले से 5वीं क्लास का बच्चा जी इतनी दूर तो कोई पढ़ने जा नहीं सकता, और जो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी कह रहे हैं ना मर्ज करने के लिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 किलोमीटर तक हमारा बच्चा खुद का, हम सोचते हैं कि हमारा खुद का बच्चा इतनी दूर पैदल पढ़ने जाए, तो एक बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है जी। और वो बच्चा अगर लड़की हो तो हमारे मन में डबल क्वेश्चन आता है जी। तो हालांकि इस स्कूल के बारे में जहां तक मैं कहना चाहूंगा, ये मर्ज नहीं। कलायत खंड के गांव बड़सीकरी कला और बड़सीकरी खुर्द के धोबीवाला तालाब में अज्ञात महिला का शव मिला है। महिला के शव को खंभे से बांधकर तालाब में डाला गया। शव बुरी तरह से गल चुका है, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। सूचना मिलते ही कलायत DSP सुनील कुमार व कलायत थाना प्रभारी जयवीर सिंह और CIH की टीम मौके पर पहुंची। DSP सुनील कुमार ने बताया कि महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और जाँच के बाद ही कारणों का पता लगाया जाएगा। पानीपत में शनिवार को बादल छाने और रविवार को बारिश की संभावना है। हालांकि शनिवार को सुबह के समय अच्छी धूप देखने को मिली, हवाओं की रफ्तार भी धीमी रही, तापमान में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिकों ने शनिवार रात से ही मौसम में बदलाव के आसार बताए हैं। शनिवार को अधिकतर तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शनिवार को दिन में बादल छाने, रात में तेज हवाएं चलने और रविवार को गरज के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। हालांकि हवाओं के कारण बारिश का असर ज्यादा नहीं रहने की संभावना है। रविवार के बाद कई दिनों तक बूंदाबांदी और बादल छाने की भी संभावना है। इसे दिन और रात के तापमान में गिरावट हो सकती है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए हरियाणा अलर्ट पर आ गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी जिलों के DC के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और इस VC के बाद फतेहाबाद के DC ने स्पेशल आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी कार्यालय और विभागों में बिना मास्क के लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। DC ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री का आदेश दिया गया है। इसके अलावा ऐसे सभी कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक रहेगी जिसमें भीड़ जुटाने की संभावना हो। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।